केरल के 2648 मंदिरों में अब ओलियंडर के फूलों को चढ़ाने पर बैन लगा दिया गया है। यह फैसला मंदिर प्रशासन से जुड़े दो संगठनों ने लिया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ओलियंडर के कारण एक 24 वर्षीय नर्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद इन फूलों पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया है। ओलियंडर के फूलों को करवीर या अरली नाम से भी जाना जाता है। यह पुष्प कनेर की प्रजाति से संबंधित है। केरल में सबसे अधिक मंदिरों का प्रबंधन दो देवासोम बोर्ड करते हैं, जिसमें पहला है त्रावणकोर देवासोम बोर्ड और दूसरा है मालाबार देवासोम बोर्ड। त्रावणकोर देवासोम बोर्ड के जिम्मे 1248 मंदिरों का प्रबंधन है, वहीं मालाबार देवासोम बोर्ड को 1400 मंदिरों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवासोम बोर्ड के प्रबंधन में संचालित इन मंदिरों में अब ओरिएंडर के फूल नहीं चढ़ेंगे। यह निर्णय किस कारण लेना पड़ा, इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केरल के अलापुझर में रहने वाली 24 वर्षीय नर्स सुरेंद्रन की ब्रिटेन में नौकरी लगी थी। 28 अप्रैल को उन्हें घर से रवाना होना था। इसी दिन वह सुबह अपने घर के बाहर किसी से फोन पर बात कर रही थी, तभी उन्होंने गलती से घर के बाहर लगे ओरिएंडर के पत्तों को तोड़कर चबा लिया। पत्ते चबाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सुरेंद्रन को उल्टी के साथ सांस लेने में परेशानी हो रही थी, तो परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने 30 अप्रैल को दम तोड़ दिया। जिसके बाद युवती के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उनकी मौत ओरिएंडर के जहर के चलते हुई है। इसी घटना को देखते हुए देवासोम बोर्ड ने ओरिएंडर के फूलों को मंदिर में चढ़ाने पर बैन लगा दिया है। बता दें कि पूरे भारत में ओरिएंडर के पौधे पाए जाते हैं, खासकर हाईवे और समुद्र तटों के किनारे इन पौधों को लगाया जाता है। हमारे देश में ओरिएंडर की 12 से अधिक किस्में हैं। सभी किस्मों के पौधों में अलग अलग रंग के फूल आते हैं। वैसे तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ओरिएंडर की जड़ व छाल का प्रयोग कुष्ठ रोग से संबंधित दवाइयों को बनाने में किया जाता है, लेकिन यह पौधा जहरीला होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ध्यान रखते हुए किया जाता है। उचित तो यही है ओरिएंडर से दूरी बनाकर रखी जाए।